हेलो दोस्तों, एक और फ्लैटी फुट की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हे भैया, क्या रिमोट बोलो। हाँ ठीक है, फ्लैटी फुट भी तो आ गया है। हे भैया, आप मेरे स्किबी टॉयलेट को ऐसे उछाल क्यों रहे हो? अच्छा, तुझे अभी लग रहा है ये तेरा स्किबी टॉयलेट है? हाँ नहीं तो क्या भैया, बहुत गलत करते हो यार। भैया उसको रखो यार, फिर यार। मैंने तेरी गलत फैमिली है। गलत भैया, मेरी एकदम सही फैमिली है। तू मुन्ना चीज यहाँ पे थोड़ा सा गलत माइंड कर रहा है। पगला क्या क्या, उसे तुझे पता भी नहीं लोग कौन है? ए भैया, ये मेरे प्यारे स्किबी टॉयलेट है, मुझे पता है ये मेरा साथ देंगे। गाइस, इनके साथ मुझे क्या स्पॉन करना है? भैया आप स्पॉन करो ना। ओए तू पगला गया क्या? ये है मुन्ना ब्रोकन स्किबी टॉयलेट। वो भी कौन से वाले? पता है ना, ब्रोकन सॉ स्किबी टॉयलेट। ओ ब्रोकन, आज आप भी यहाँ पे ब्रोकन माल लेके आए हो? ओए तो अबे तू बता, तेरे पास क्या है स्किबी टॉयलेट्स में? ओके तो आप ब्रोकन लाए हो तो मैं इनको बताने के लिए बताता हूँ कि मेरे पास क्या है। हाँ बताना क्या होता है पास। ए भैया, थ्री हेड स्किबी टॉयलेट कैसा रहेगा इनके लिए? ओए तेरी तो, वो दोस्तों की तो डीमन लग रहा है पूरा का पूरा। और ये 400 है। मजा आएगा मुकाबले में मुन्ना इसको बीचों बीच लाने का। ओके ये लो आ गया, अभी तो सही है ना। हाँ चलो चलो दोस्तों, बैटल स्टार्ट करते हैं, अभी देखते हैं कौन जीतेगा। ओए मारो। ये क्या हो गया मुन्ना, कोई तो मार ही नहीं रहा। ए भैया आप ही तो ब्रोकन लाए थे ना, ब्रोकन का तो भैया पता नहीं क्या कीमा निकल गया। ओए ये कैसे हो सकता है? ओए नूबड़ा दुश्मन हो तुम लोग ब्रोकन। ओए मुन्ना मैं ये क्या बताऊं, मैं डील साइन करके लाया था। ए भैया अब हटाओ यार, अब मुझे पता था भैया वो मेरे स्किबी टॉयलेट है, वो ब्रोकन हो ही नहीं सकते। ओए देख लूंगा मैं लोग को। ओके तो गाइस, भैया की जो पहली टैक्टिक्स थी वो फेल हो चुकी है, तो अभी भैया पता नहीं क्या करने वाले हैं। दोस्तों अभी मैं एक बंदे को बुलाने वाला हूँ, बहुत डेंजर है, वो चाकू लेके आता है। चाकू? कौन सा चाकू? ओ ये कौन है? ये है बॉक्स मैन मुन्ना विद हिज स्कैरी नाइफ। ओके नाइस भैया, क्या बात है, इतना स्कैरी नाइफ। ओए हाँ वही तो, सही लग रहा है ना ये। अभी देख, अभी तेरी स्पॉन करता हूँ। ये किया, अभी बता तेरे पास क्या है। मेरे पास आ, इंटरेस्टिंग, रुको देखता हूँ मेरे पास क्या है। इन लोग को सबक सिखाने के लिए भैया मेरा एक स्किबी टॉयलेट काफी है। वो अच्छा, फिर बुला के बता कौन है वो स्किबी टॉयलेट। ऑक्टोपस कैसा रहेगा भैया? ऑक्टोपस बुला, कौन है? मैंने जानता ऑक्टोपस को। अच्छा तो ये है। ओए कितने ऑक्टोपस बुलाएगा? 3 भैया सही रहेंगे, दोनों की तरफ से बराबरी का मुकाबला होगा, कैसा रहेगा? हाँ सही है। चलो दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पे ये बॉक्समैन जीतते हैं कि इसके भी ऑक्टोपस जीतते हैं। ओए मुकाबला बहुत इंटेंस होने वाला है, तब तक दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक मार दीजिएगा। ओए ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट द बैटल। ओए मारो एक दूसरे को। ओए ये देख मुन्ना, ये है बॉक्समैन की पावर, देखा तूने? कुछ पावर अभी नहीं दिख रही है। नूबड़ो क्या कर रहे हो, भागते किधर? इधर मारो, इधर मारो, मारो इनको, बचने नहीं चाहिए। लगता है मुकाबला बहुत ही मुन्ना बराबरी का चल रहा है, कौन जीतेगा क्या लगता है? कोई डाउन हुआ भैया? ओए बॉक्समैन डाउन हुआ। ओए ओए सारे मर गए बॉक्समैन, वो कैसे पॉसिबल है ये? ए भैया ये लोग जीत गए, ए चलो चीयर अप करते हैं। ये लो ये लो। ओए इनकी तो मैं बताता हूँ, ये ले ये भी ले। ए भैया ये सब नहीं है। चलो गाइस यहाँ पे पहला ही मुकाबला मेरे नाम हो चुका है। ए भैया हार चुके हैं। ओए रुक जा, दूसरा मुकाबला भी आएगा, टेंशन क्यों लेता है? बुला आप किसको बुलाएगा? ओके भैया आप इतना इंसिस्ट कर ही रहे हो तो ठीक है, मैं बुलाता हूँ स्किबिडी फैन रॉकेट को। स्किबिडी फैन रॉकेट, ये भला कौन है अब? अरे भैया देख लेना क्या दिक्कत है, ये देखो। मतलब ये क्या चीज है, ये तो बहुत ही पिद्दी सी चीज है। ए भैया पिद्दी दिख रहे हैं लेकिन पिद्दी है नहीं है, ये देखो। आए दोस्तों घर में पंखों का लगवाना हो तो बता देना, मैं स्किबिडी पंखे लेके आऊंगा। ओए ए यार भैया जाओ ना, ये स्किबिडी पंखे नहीं है, स्किबिडी रॉकेट फैन है। रॉकेट कहाँ दिख रहा है? ओ अच्छा ये रॉकेट है, वाह ठीक है रुक जा मैं बुलाता हूँ मुन्ना, फिर इन रॉकेट्स की धज्जियां ना उड़ा दी ना तो मेरा नाम भी जैक द फाइटर नहीं होए। ओके तो गाइस देखते हैं भैया किसे बुलाने वाले हैं। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे कैमरा मैन को तो बहुत बुलाया है लेकिन कैमरा वुमेन्स को बहुत कम बुलाया है, तो अभी आज मैं कैमरा वुमेन्स को यहाँ पे ट्राई करने वाला हूँ। चलो ओए ये छोटा हो गया मुन्ना। ए भैया वो लोग भी छोटे छोटे ही है। ओए वुमेन्स वैसे मुन्ना नारी में शक्ति बहुत होती है, देखते हैं कि जीत पाती कि नहीं। ओए ए भैया देखते हैं कौन जीतता है। वैसे भैया इनके पास कोई यहाँ पे स्पेशल टाइप का यहाँ पे कोई वेपन तो नहीं है ना? मुझे क्या पता, मैं अभी पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ना ये जो कैमरा है ना ये लेजर तरीके से भी काम कर सकते हैं। एक मिनट पीछे कुछ है क्या? ओए गाना है, ओए गाना इनके पास। ओ नाइस गन है। तो भैया इनके पास भी क्या है? इनके पास तो कुछ नहीं है।
इनके पास भैया मिसाइल लॉन्चर है, देखते हैं कौन जीतता है। गाइस बहुत ही मिनी फाइट होने वाली है क्योंकि अच्छे से ये लोग दिख भी नहीं रहे। भैया आपके तो यहाँ पे वुमेन कैमरामैन दिख भी नहीं रहे, मेरे कम से कम इसके भी डिफेंस दिख रहे हैं। ओए फैंस का ना ये मुन्ना देखना हवा में लटका दिए जाएंगे। चल स्टार्ट कर। ओके लेट्स स्टार्ट द बैटल गाइस। एंड यहाँ पे किसका काम तमाम हो रहा है पता भी नहीं चल रहा। ओए कौन जीत रहा है दोस्तों, इतने छोटे छोटे पता भी नहीं चल रहा। ओए दोस्तों देखने से तो ऐसा ही लग रहा है यहाँ पे मेरे स्किबिडी फैंस जीत रहे हैं। ओए दोस्तों देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि मेरी टीम जीत गई। ओए ए, ये कैसे हो गया भैया? ओए यही कैसे हो गया, देख रहा है मुन्ना वुमेन्स के पास कितनी पावर होती है। और तो दोस्तों यहाँ पे जो बैटल हुई वो एंड हो चुकी है एंड विनर एकदम क्लियरली बाहर निकल के आ चुके हैं जो कि है कैमरामैन वुमेन्स। बोला था मुन्ना नारी शक्ति सब पे भारी। ओके भैया देख लिया जाएगा। ओके गाइस अभी यहाँ पे भैया कैमरामैन को स्पॉन करेंगे। करो भैया किसको बुलाओगे? हाँ वही देख रहा हूँ लेजर स्मैन मुन्ना कैसा रहेगा। अरे बुलाओ जिसको बुलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे दोस्तों ये क्या है स्पीकर हेलीकॉप्टर, इसको भी देखना ही पड़ेगा। ओए स्पीकर हेलीकॉप्टर भैया ये फाइट भी करेगा? ओए बिल्कुल। ओ तेरी तो इसके पास तो सही में पंख है, इसको तो मैं स्पॉन करके मुन्ना देखता हूँ कौन जीतेगा। ए यार भैया इनके पास कोई पावर भी है क्या? ओए स्पीकर की पावर है ये देख। ओके ठीक है किसी की भी पावर है मुझसे क्या। मैं भी भैया रुक जाओ अभी एक ऐसा स्किबिडी टॉयलेट लेके आऊंगा ना कि आप भी पगला जाओगे। भाई किसे लाएगा जल्दी बता। ए, रुको बताता हूँ ना भैया। ओके तो भैया इन स्पीकर मैन को सबक सिखाने के लिए मैं लेके आऊंगा स्किबिडी टॉयलेट ग्लिच को। ग्लिच सुना तो मैंने बहुत है ग्लिच के बारे में, सुना भी है और देख भी लोगे। ये तो वही है ना जिनके पास मुन्ना बहुत ज्यादा स्पीड होती है। ओए हाँ भैया ये वही है। कैसा लगा भैया दोबारा मिलके? अच्छा लग रहा है लेकिन मुन्ना इन लोगों को भी अंडरएस्टिमेट नहीं करने का। ओए समझ रहा नहीं लोगों के पास कितनी पावर है? अब भैया वो पावर मुझे कैसे पता होगी, जब बैटल स्टार्ट करोगे तब पता होगा। हाँ क्यों नहीं, चलो दोस्तों अभी बताते हैं इसको। ओए मारो। ओए स्पीड तो मुन्ना काफी अच्छी थी लेकिन इनके पास भी बहुत सारी पावर्स है। ओके गाइस इधर से उधर उड़ा जा रहा है, कौन जीत रहा है समझ नहीं आ रहा। लगता है एक स्पीकर मैन डाउन हो गया, दूसरा तीसरा और चौथा भी गया। भैया बहुत पावरफुल है लोग। ओए ये क्या इनके पास स्पीड, तो मुन्ना देख के सबको हैरान हो जाता है। ओए वही तो भैया इनकी स्पीड ही तो खासियत है। एंड भैया ये पगलाए हुए स्किबिडी टॉयलेट है तो भैया इनसे पंगा लेने का कोई मतलब भी नहीं है। ओए बुलाओ क्या मुन्ना अपने मैका बॉस को, इनकी सब पगलेटी मुन्ना निकाल देगा। ए भैया जाओ ना। ओके गाइस अभी चलो जो सेकंड बैटल का रिजल्ट रहा वो ऑगी सिंह बॉडी वाले के पक्ष में गया। ओए सेकंड नहीं थर्ड। हाँ हाँ ठीक है तो गाइस यहाँ पे मुकाबला जो स्कोर है वो है 2-1। हाँ दोस्तों अभी देखता हूँ मेरे पास क्या है, रुक जा अभी बताता हूँ। बदला लेना तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, तुझे भी पता होगा। हाँ क्या है जो भी है बुला लो। सबसे निपट लिया जाएगा भैया। हाँ बिल्कुल कहा गया दोस्तों वो। हाँ ये रहा चलो अभी दोस्तों मेका बॉसेस को बुलाने का टाइम आ चुका है तो मैं बुलाऊंगा टीवी मैन मेका बॉस वीटू को। अभी मुन्ना बता तू क्या बोलेगा? क्या बोलूंगा? जब बुलाओगे तब ना बोलूंगा। ये ले ये तो गाइस कहीं जाना पहचान लगता है, क्यों ना गाइस इसकी ब्रोकन वर्जन को बुलाया जाए। कैसा रहेगा तेरे पास ब्रोकन इसका? हाँ भैया मुझे पता था अब जिस दिन इसको बुलाओगे ना मैं इसका सेम टू सेम वर्जन बुलाऊंगा वही ब्रोकन वाला। रुक जाओ भैया अभी मैं एक दूसरे को साथ में लड़वाऊंगा, रुक जाओ। तेरे पास ब्रोकन था तूने बताया नहीं नूबड़े। ए भैया क्या ही फर्क पड़ता है। अभी बताओ भैया करप्टेड जीतेगा कि V2 जीतेगा? वैसे देखने दे। ये V1 है ना? कुछ भी हो ये लेके भैया करप्टेड है और ये V2 है, मतलब इसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। देख रहा है इसके पास क्या है? क्या है? इसके पास है ब्लू क्रिस्टल, वो भी इसके हार्ट पे। इसके पास है येलो और तो पता नहीं वैसे मुझे दोनों का यूज क्या होता है लेकिन थोड़ा सा जो डिमोनिक फील दे रहा है ये यही दे रहा है। ए भैया बैटल स्टार्ट करो, फालतू की बकवास मत करो। ओए दोस्तों देखते हैं कौन जीतेगा इन दोनों में से, वैसे मेरा वाला जीतना चाहिए। ओए मारा एक दूसरे को। ओए दोनों ने अपनी पावर दोस्तों यूज कर दी है, देखते हैं कौन जीतता है। ओए क्या कर रहे हो आपस में पोज दे रहे हो क्या? कौन मारा? ओए वही तो कौन मारा? ओए ये कैसे हो सकता है? ए भैया दोनों ही टपक गए अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी में ही। ओए देखते हैं नीचे सबसे पहले डाउन कौन होता है वही विनर बनेगा। ए ये सब नहीं भैया वो देखो दोनों ही डाउन है। ओए तेरी तो इन दोनों का दोस्तों बैंड बज गया, मतलब ये मैच हो गया टाई। ए यार भैया आई डोंट वांट टाई यार। ओए टाई तू नहीं चाहता तो मैं क्या करूं, टाई हो गया तो हो गया। ओके गाइस चलो कोई ना अभी नेक्स्ट मुकाबला ही फैसला करेगा कौन बनेगा असली विनर। मुकाबला गाइस स्टिल अभी 2-1 की यहाँ पे बराबरी पे है। बराबरी कहाँ पे, तेरा 2 है मेरा 1 है ना? वही कभी कभी दो दूर हो जाता हूँ भैया मैं।
और बुला किसको बुलाएगा? ओके गाइस, क्यों ना आज हम लोग स्किबी टॉयलेट स्वॉर्ड्समैन को बुलाया जाए। बहुत ही पावरफुल है ये। इन्हें हाँ बुला, ये तो इंटरेस्टिंग है। फोर स्वॉर्ड स्टाइल, वरना इनके स्वॉर्ड देख के तो मुझे मजा आ जाता है। ओए मजा तो आएगा ही, क्योंकि भैया बैटल ही ऐसी होने वाली है। किसको बुलाओगे भैया इनके यहाँ पे अपोनेंट में? रुजिया स्वॉर्ड में यहाँ पे दोस्तों, इनको तो मैं हरा भी चुका, आपको भी पता है। ए भैया, लेकिन कोई दूसरा बुलाओ तब भी तो मजा आएगा ना। हाँ ठीक है, रुक जा देखने दे दोस्तों, देखना पड़ेगा कैमरामैन की टीम में मेरे पास कौन है सबसे धुरंधर खिलाड़ी। हो वैसे स्पीकर मैन कैसा रहेगा? वैसे वो भी हुए काफी है मुन्ना इन चारों के लिए, लेकिन मैं सोच रहा था किसको बुलाऊं, समझ नहीं आ रहा मुझे। हाँ टीवी वोमेन मेकअप बॉस, अभी बता। ओ फ्रीक्वेंसी से खेलना चाहते भैया फिर से? हाँ तो क्या दिक्कत है दोस्तों, देख रहा हूँ ये कितनी पावरफुल है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 भैया फिर मुझे भी 6 स्पॉन करने दो। ठीक है कर ले। ए भैया सही में? हाँ कर ले। ओके लेट्स गो गाइस, 1, 6 एंड अभी आएगा मजा। ए भैया एक इसके सर वाली टीवी, ओए दिमाग मत खराब कर मेरा। चल ठीक है फिर कर ले। देखो गाइस 7 टीवी है इसके पास, तो 7 यहाँ पे स्वॉर्ड्समैन भी रहेंगे। और दोस्तों 7 स्वॉर्ड्समैन के पास 4-4 स्वॉर्ड्स है, मतलब 7 × 4 = 28, समझ लो 28 स्वॉर्ड्स है। एक वोमेन लड़ने वाली है, वो भी एक टीवी वोमेन। ओए आपको दोस्तों यहाँ पे नारी शक्ति का अंदाजा हो ही चुका है, अभी देखते हैं कि कौन जीतेगा। ओके गाइस लेट्स स्टार्ट द बैटल। ओए तेरी तो सबको जाम हो गया मुन्ना। ओके गाइस देखते हैं कौन जीतता है, यहाँ पे बहुत तरह से स्वॉर्ड चल रही है एंड यहाँ पे स्वॉर्ड्समैन डाउन हो रहे हैं, देखते हैं कौन जीतेगा। एंड बाप रे, ओए डाउन कर दिया मुन्ना, डाउन कर दिया। अरे बाप रे भैया ये तो जीत गई। हे दो स्पीकर भी थे भैया, गलत बात है। ओए कुछ गलत बात नहीं है, चल निकल ले यहाँ से। चलो गाइस यहाँ पे चौथा मुकाबला हम लोग हार चुके हैं, मतलब पांचवा मुकाबला, चौथा तो टाई हो गया था दोस्तों। मुकाबला यहाँ पे जो स्कोर है वो है 2 = 2, मतलब 2-2 पे स्कोर बराबर हो चुका है। ये जो आखिरी मुकाबला होगा वही डिसाइड करेगा कि कौन है आज के गेम का विनर। चल मुन्ना किससे निकालेगा? आप निकालो, मैं क्यों निकालूंगा। हाँ ठीक अच्छा आइडिया, रुक जा देखता हूँ मैं। ओके दोस्तों पिछली बार एक बार मैंने लाया था किसको, TRI टाइटन को, तो आज भी मैं इसी को लेके आऊंगा। ओए TRI ये बहुत ही पावरफुल है मुन्ना, इसकी पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करने का। ओके ठीक है नहीं करूंगा। ओके बुलाओ भैया येल। ओए देख रहा है ये कितना पावरफुल है। ए भैया इसने तो लगता है कहीं से एक्सटर्नल पावर लेके आया ये। ओए मुझे क्या पता कहीं से लाया हो, तू बता तेरे पास क्या है। मेरे पास इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भैया, अभी बताता हूँ मेरे पास क्या है। मेरे पास है ये तेरी तो ये रहा। ओए बस यही? अरे अभी बस का बोला भैया मैंने, बस तो भैया यहाँ पे आपको बस स्टैंड में मिलेगी, लेकिन भैया यहाँ पे आपको टॉक्सिक स्किबिडी टॉयलेट एंड भैया MK3 एंड अभी बहुत कुछ। रुक जाओ भैया, V2 को तो बुलाना बाकी है। ओए पूरा खानदान बुलाएगा क्या मुन्ना? ये तो गलत है। गलत क्या होता है भैया, वो भी तो बहुत पावरफुल है भैया, उसका नाम है TRI टाइटन, भूलो मत। हाँ ठीक है, मेरा भी ये डरता थोड़ी है, सबको मुन्ना यहाँ पे अकेले मार सकता है अकेले। और किसी को बुलाना चाहेगा? हाँ भैया बस एक। हाँ बुला ले। चलो दोस्तों यहाँ पे 4 vs 1 होने वाला है, मुकाबला बहुत इंटेंस होगा, देखते हैं कौन जीतता है। दोस्तों वैसे आप लोग अपनी कमेंट्स में यहाँ पे प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि कौन जीतेगा। मुझे तो लगता है डेफिनेटली यही जीतेगा, क्योंकि दोस्तों ये बहुत पावरफुल है, इसकी पावर तो आप जानते ही होंगे कितना पावरफुल है ये। ओके लेट्स स्टार्ट द बैटल गाइस, लेट्स सी कि कौन जीतेगा। ओके मारो। अरे मारो। ओए ये क्या हो रहा है, कौन जीत रहा समझ नहीं आ रहा। ए तू इधर चल। अरे क्या कर रहा है, दूर क्यों भागता है, कौन जीता? ओए दो को तो डाउन कर दिया है, अभी दो और बचे हुए हैं, वो भी दो नमूना MK3 है, एक V2 है, एक V1 है। ओए तेरी तो दूर से वार कर रहे हैं। ए कौन जीत रहा है समझ नहीं आ रहा। ओए ये भी गया मुन्ना। ए भैया इसके पास कितनी पावर है, बहुत पावरफुल है मुन्ना, एनर्जी स्टैमिना सब कुछ है। ए मारो एक दूसरे को। क्या कर रहे हो? ओए एक और गया। दोस्तों MK3 एंड MK3 V2 दोनों चले गए, क्या बात है। एंड दोस्तों आज का हम लोग का विनर है वो है TRI टाइटन। ए गलत हो गया गाइस, ये बहुत पावरफुल है यार। बोला था मुन्ना बहुत पावरफुल है, लेकिन तुम मेरी बात का विश्वास कर, इससे तुमने मैंने बोला कि बुला ले चारों को, बुला मुझसे क्या। दोस्तों ये है विनर, इसको घुमाएंगे, चल तुझे आज मैं प्लेटीवुड में यहाँ पे एडमिशन दिला दूंगा। ओए ए यार चलो ठीक है भैया, तो चलो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आता वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, और दोस्तों और कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगला मुकाबला किसका किसका कराया जाए। ओए और तब तक के लिए सभी दोस्तों को टिल देन टेक केयर, बाय 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 गाइस।